आज मैं आपके लिए वाक्य और वाक्यों के प्रकार का पार्ट टू लेके आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने वाक्य और वाक्यों के प्रकार का पार्ट वन बताया था, जिसमें मैंने रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताए थे। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो वाक्य और वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार, जैसा कि आपको पता है कि वाक्यों के प्रकार के दो आधार हैं, रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर मैंने जो वाक्य थे उन वो पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। आज हम लोग अर्थ के आधार पर देखेंगे। ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप लोग वो देख लें और उसके बाद ही कंटिन्यू करें। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। पहला जो वाक्य है वो विधान सूचक वाक्य है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यह सरल वाक्य होते हैं, इनका सीधा अर्थ बोध होता है। ठीक है, तो जो एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं और जिनका सीधा ही अर्थ बोध होता है, मतलब सीधा जैसा हमने कहा और वैसे उसने समझ लिया, उस टाइप के वाक्य अगर होते हैं तो वो विधान सूचक वाक्य होते हैं या सिंपल वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे तितली के सुंदर पंख हैं, तो सीधी सी बात है तितली के सुंदर पंख होते ही हैं, तो ये विधान सूचक वाक्य है। या फिर गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा भी पवित्र नदी है सभी को पता है। ठीक है, तो ये विधान सूचक वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं निषेध सूचक वाक्य। वे वाक्य जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं निषेध सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो वे वाक्य जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं, हमें नेगेटिविटी शो करते हैं, वे निषेध सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख निषेध सूचक शब्द हैं, ना, नहीं, मत। ये जो शब्द हैं ये नकारात्मकता का बोध कराते हैं। ठीक है, और कुछ उपसर्ग व प्रत्यय भी हैं जो निषेध या नकारात्मकता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय से भी निषेध का बोध होता है, जैसे अनपढ़, मतलब अनपढ़। ठीक है, तो अनपढ़ मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ है, या नेत्रहीन, ठीक है, जिसके आंखें नहीं है, तो ये कि नकारात्मकता का बोध करा रहे हैं। या कुछ शब्द अपने आप में ही निषेध होते हैं, जैसे अंधा, गूंगा, ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही निषेध सूचक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थर्ड वाला, प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है कि वे वाक्य जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक विराम चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या नाम है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, या वह कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, हम प्रश्न पूछते हैं या कोई हमसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विस्मय सूचक वाक्य। वह शब्द जो आश्चर्य का बोध कराता है, सामान्यतः यह शब्द के शुरू में आते हैं और इन शब्द के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगता है, जैसे अरे तुम कब आए, है ना। तो यहाँ पर जो है ये अरे एकदम खुशी का या विस्मय विस्मय का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकंड वाला वाक्य देखें अगर आप लोग, वाह कितना सुंदर दृश्य, तो यहाँ पर ये जो वाह और उसके बाद ये जो विस्मय सूचक चिन्ह लगा है ये, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अपने वो आश्चर्य का या एकदम एकदम हैप्पीनेस या सडन हैप्पीनेस का बोध करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इच्छावाचक वाक्य। तो वह वाक्य जो इच्छा का बोध कराता हो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है, मतलब जो हम चाहते हैं या हमारी इच्छा का जो जो मतलब प्रतीक करता है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं चाय पीना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इच्छा प्रदर्शित हो रही है कि मैं चाय पीना चाहता हूँ। या फिर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आदेश सूचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें हम लोग किसी को आदेश देते हैं या फिर किसी को आज्ञा देते हैं। जैसे वह वाक्य जो आदेश या आज्ञा का बोध कराते हैं आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप बाहर बैठिए या बिना अनुमति मत आइए, तो यहाँ पर जो है आप आदेश सूचक या आज्ञा सूचक का प्रतीक बता रहे हैं दोनों वाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेवन संदेहवाचक वाक्य। वह वाक्य जो एक निश्चित कार्य का होना नहीं बताता है, जिसमें शंका होती है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है संदेहवाचक वाक्य में किसी भी कार्य का निश्चित होना नहीं बताता है, जिसमें शंका रहती ही है। ठीक है, जैसे शायद वह आज आज आए, तो यहाँ पे शायद लगा है, मतलब एक शंका पैदा कर रहा है। या नेक्स्ट है अब तक
घर पहुंच गया होगा, तो अब तक घर पहुंच गया होगा, यहाँ पे भी परफेक्ट नहीं है, मतलब इसमें भी कुछ शंका है, पहुंच गया होगा, उसे पता नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि वो पहुंच गया होगा, तो यहाँ पे शंका है, तो ये संदेहवाचक वाक्य में आएगा। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग संकेतवाचक वाक्य, तो इसमें एक वाक्य कार्य होने का बोध कराता है और दूसरा वाक्य उस कार्य की परिस्थिति का बोध कराता है, जैसे पिताजी होते तो यह मुसीबत न आती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला वाक्य जो है कार्य होने का बोध करा रहा है और दूसरा जो है परिस्थिति का बोध करा रहा है, मतलब जैसे कि पिताजी होते तो यह मुसीबत नहीं आती, मतलब अगर पिताजी होते तो यह मुसीबत आती ही नहीं, ठीक है। जो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसमें छुट्टियाँ लगी तो कश्मीर जाएंगे, मतलब छुट्टियाँ लगी तो कश्मीर जाएंगे ना, छुट्टियाँ लगी और तो कश्मीर जाएंगे और नहीं लगी तो नहीं जाएंगे, ऐसा। तो यहाँ पर जो ये संकेत दे रहे हैं कि छुट्टियाँ लगी तो कश्मीर जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार देखे, जिनके 8 टाइप थे हमने देख लिए हैं।